वीडियो बनाओ। मैं वर्दी वाले से बात करूंगा। आप बगैर वर्दी तो है ना, कौन है, कैसे घुसे, ईवीएम रखी हुई है, मेरी वर्दी अंदर रहती है तो मैं कैसे मानूंगा। तो आप बेस केस कर रहे हो, बेस मत करो, हम कैसे मानेंगे सुरक्षा कानून। कहां आपका आई कार्ड दिखाई, आई कार्ड दिखाओ, आई कार्ड मेरा रखा ऊपर बंद। अरे क्या बात कर रहे हो, वीडियो बेस कर रहे हो, इसकी वीडियो बनाओ। झूठा है ये आदमी, आप बताओ, ये झूठा आदमी है, बुला रहे हो, किसको बुला रहे हो आप, सिविलियन कैसे घुसे हो। और आप आई कार्ड मांग रहे हो तो आप बोल नहीं दिखा रहे, अरे नहीं लगा तो बेस क्यों कर रहे हो, चला उनका अशोक नगर जिला में मतदान के बाद जितने वोटिंग मशीन रखी हैं, यानी स्ट्रॉन्ग रूम में, उतने सादा कपड़ों में चहल कदमी करत भय एक व्यक्ति देखे और इसके बाद हंगामे की स्थिति भई। अशोक नगर जिला के अशोक नगर मुंगावली सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी उतने मौके पर पहुंचे और मुंगावली के प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह से बहस भी भई व्यक्ति की, जो उतने ड्यूटी बता रहे थे अपनी, अपने आप को पुलिस वालों बता रहे थे। और इसके बाद लगातार अधिकारियों से दो ही प्रत्याशी ने बातचीत करी और इस बातचीत के बाद सीधे तौर पर सवाल उठाए स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा को लेके। नहीं है, जब ये लोग अंदर जाएंगे तो हम थोड़े ना अंदर जा रहे हैं, हमारा कहना ये कि इसके अंदर कोई ना आ जाए। मेन गेट से बहुत लोग जा रहे हैं, आप क्या बिल्डिंग इस तरीके की, आपको दिख रहा है लेकिन ये कौन कहाँ जा रहा है, भीतर क्यों घुसा हुआ है। नमस्कार सर जी, सर ये कहने का मतलब गेट तो दिख रहा है, अब गेट तो बड़ी बिल्डिंग है, आपका हॉल दिख रहा है, अरे लैपटॉप लेके हम नहीं जानते, अपना मुंह बांध के लड़कियां बैगों में लैपटॉप लेके अंदर घुसती है, हमें तो शंका होगी कि नहीं होगी, आप बताइए। आप देखिए, अगर बात कर लेंगे ऐसा कुछ नहीं अभी तक का नहीं, लेकिन आपकी मशीनें जिस विधानसभा की जिस कमरे में बंद है वो दरवाजा आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, दरवाजा सिर्फ दरवाजा दिख रहा है, सिर्फ दरवाजे के अलावा 50 फुट का हॉल है, 5 फुट का एरिया दिख रहा है। भाई साहब एक मिनट, पूरी भी आदमी जाएगा तो दरवाजे से ही जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इलेक्ट्रिक सामान कहीं से भी है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, अब वो थोड़ा दूर बैठ, हमने तो ये भी सुना दूर से भी हो जाती है गड़बड़ जी। दरवाजा तो दिख रहा है हमें, दरवाजा हमें दिख रहा है, हम मान लिया। अब दूसरा ये है कि लैब हम दरवाजा देखते रहेंगे, लेकिन लैपटॉप लेके जा रहे हैं, ये क्यों जा रहे हैं, इनके पास अपना मुंह बंधा हुआ है, इनके पास आई कार्ड नहीं है, तहसीलदार साहब है, तहसीलदार साहब है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग रूम में जो ईवीएम रखी है सुरक्षा को लेकर क्या आप संतुष्ट हैं? क्या ये सुरक्षित हैं? पहले तो आप ही बताइए, यहाँ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मेला लगा हुआ है भवन के अंदर, चारों तरफ गेट हैं इस भवन में, कोई सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं है, ये तो लग ही नहीं रहा कि स्ट्रॉन्ग रूम है, ये तो लग रहा है जैसे गांधी चौराहा है, क्या ये नहीं। यहाँ जैसे अभी वो ऑफिसर भी बता रहे थे कि ना वॉशरूम है और ना बाथरूम है प्रॉपर। अरे इसमें तो पता नहीं कितने लोग आ जा रहे हैं, अभी 3 लड़कियां आई, नकाब पोस मुंह बांधे हुई थी, उनसे पूछा पटवारी है, उनके पास कोई आई कार्ड नहीं था, तहसीलदार साहब से कहा, उनने भी ऐसे बोला कि पटवारी लैपटॉप लेके घूम रहे हैं यहाँ लोग, वहाँ करना क्या चाहते हैं, हमें तो शंका हो रही है। हमारे पास में ये बैठे हुए मुंगावली के प्रत्याशी श्री यादवेंद्र सिंह जी, मैं भी बैठा हुआ, आप भी 50 लोग यहाँ बैठे हो, कितने प्रकार से हम इनसे बोल रहे हैं, इनसे विनती कर रहे हैं, अनुनय बनाए कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसको लेके शिकायत रखा की आपने अभी? अभी हमने शिकायत हम कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग से भी मैंने बात की, यादवेंद्र सिंह जी ने भी बात की, और हम तो इसको छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके से सवेरे धरना देंगे पूरी कांग्रेस पार्टियां बैठ के। अभी अब रात में क्या प्लानिंग रहेगी आप?
रात में हम लोग यहाँ बैठेंगे और क्या करेंगे, यहीं बैठेंगे सब लोग, धरने जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए अभी हम यहाँ देखने आए थे कि क्या व्यवस्था है। यहाँ पे एक व्यक्ति सिविल ड्रेस में घूम रहा था, पूछा भाई आप कौन हो, यहाँ कैसे घूम रहे हो, तो बहस करने लगे और बोले मैं पुलिस वाला हूँ। तो मैंने कहा आप पुलिस वाले हैं तो फिर आप अपना आई कार्ड दिखाइए, और पुलिस वाले हैं तो पहली बात तो आपको वर्दी में होना चाहिए। अगर आपकी यहाँ पर ड्यूटी है तो आप सिविल कपड़ों में ड्यूटी कैसे कर सकते हैं। चलो मान लीजिए अगर आप पुलिस वाले हैं तो आप अपना आई कार्ड दिखाइए। आई कार्ड भी बोल कहने लगे कि मेरा यहाँ जेब में नहीं है, कहीं और रखा है। तो इस तरह की एक शंका की स्थिति बनी हुई है कि कोई भी व्यक्ति, अब हम थोड़ी जानते हैं कि कौन व्यक्ति पुलिस वाला है कौन नहीं है, एक शंका वाला विषय है। और इस तरह की ये जिला प्रशासन और चुनाव आयोग को सख्ती करना चाहिए इस विषय में। इसके लिए आपने कंप्लेंट की क्या? नहीं, अभी पता चला मुझे, अभी पता चला, बिल्कुल करते हैं आज कंप्लेंट। अच्छा, अब कंप्लेंट के बाद जी आप ये बताएं कि रात को आप यहीं रुकेंगे क्या, अगर आपको ऐसी शंका दिख रही? बिल्कुल, शंका लगेगी तो हमारे कार्यकर्ता 24 घंटे यहाँ पर रुकेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत ढीली स्थिति है। पुलिस प्रशासन बहुत, सुरक्षा की व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। तो ही पुलिस प्रशासन को क्या वो है कि सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं और कछु कमी दिखाए तो उनको भी दूर करेंगे। है असुविधा जो है वो सर को बताया गया है, और हमारा असुविधा के लिए उन्होंने बता दिया है कि सुविधा कर दिया है। क्या क्या सुविधा है आपको? टॉयलेट देखने मिल रही है क्या प्रॉपर? टॉयलेट का प्रॉब्लम है वो बता दिया गया है, जो कंसर्न अधिकारी है उनको बता दिया गया है, वो उसको ठीक करने के लिए वचन दिए हैं। अभी जल्दी से जल्दी हमारा सुविधा सब मुहैया करा दें। कितने लोगों का बल लगा हुआ है अभी सुरक्षा के लिए? हमारे यहाँ पर है ना 47, और इधर पुलिस के जवान हैं। इधर सेंट्रल का कितना है सर? 47। और स्टेट का? इसका तो मैं नहीं बता सकता। 14 है नीचे, आर्मी पीस हुआ अभी नीचे। अरे एक मिनट रुको, नीचे उनसे अलग पूछ लो ऊपर। तो ये सर स्ट्रांग रूम में कितने गार्ड का आप लगा रहे हैं एक टाइम में? एक टाइम में जी 11 जवान लगा रहे हैं एक टाइम में। टोटल कितने इनकाउंट आपके? 47 आप बता रहे हैं, और प्लस फिर और तो होते हैं और सुविधा और काम करने के लिए, चेंज होने के लिए 24 आवर ड्यूटी तो है। 4 घंटे ड्यूटी 8 घंटा रेस्ट चलता रहता है, रोटेट होता है ना, क्योंकि ड्यूटी करते करते जवान थकेगा भी तो उसको रेस्ट नहीं चाहिए, उसी तरह से सारे एकदम सब ओके है। दरअसल 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होगा और वोटिंग की मशीनें खुलने के उतना बाद और यही से प्रत्याशियों के दिल की धड़कन बढ़ रही और ईवीएम की सुरक्षा को लेकर भी चौकन्ने नजर आ रहे। अशोकनगर से विश्वास अगरिया, बुंदेली पोछार के लाने। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।